हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार सभी को। मैं अमीर आपके अपने चैनल इजी टू कुक में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन मोमो। सो चिकन मोमो बनाने के लिए क्या क्या रेसिपी चाहिए, मैं आज आपको डिटेल में बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग ऑनियन चॉपिंग करते हैं। अच्छी तरह से ऑनियन को चॉपिंग करेंगे। के बाद में हम लोग गार्लिक को चॉप करेंगे। जिंजर गार्लिक डालने से बहुत अच्छा टेस्ट आएगा मोमोज में। गार्लिक के बाद में जिंजर को चॉप करेंगे हम लोग। जिंजर गार्लिक चॉप हो गया। के बाद में हम लोग कोरिएंडर लीफ चॉप करेंगे। दोस्तों, हम लोग ने 300 ग्राम चिकन लिया है मोमोज के लिए, तो हम इसको अच्छी तरह से चॉप करेंगे। चलिए चॉप करेंगे। तो चिकन चॉप हो गया। दोस्तों, अब हम लोग चिकन मोमोज के लिए मैरिनेशन करेंगे। तो मैरिनेशन करने के लिए जो चॉप किया हुआ चिकन डालेंगे सबसे पहले, उसके बाद में ऑनियन डालेंगे, उसके बाद में हम लोग डालेंगे जिंजर गार्लिक चॉप्ड, तो बाद में डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट, इसके बाद में डालेंगे हम लोग कोरिएंडर लीफ, इसके बाद में डालेंगे हम लोग गरम मसाला, थोड़ी सी डालना है बस टेस्ट के लिए। इसके बाद में थोड़ी सी हम लोग पेपर पाउडर डालेंगे, उसके बाद थोड़ा सा ये कोरिएंडर पाउडर, इसके बाद में हम लोग इसको थोड़ा मिक्स मसाला डालेंगे जो मोमोज के लिए स्पेशली बनाया गया है। क्यूमिन पाउडर डालेंगे और हम लोग थोड़ा सा सॉल्ट मिक्स करेंगे इसमें, और हम लोग इसमें ऑलिव ऑयल मिक्स करेंगे थोड़ा सा। ये ऑलिव ऑयल इसलिए मिक्स करते हैं कि हम लोग इसको जूसी हो जाएगा मोमोज, इसीलिए थोड़ा सा जूसी बनाएंगे मोमोज को, और हम इसको अपने हाथों से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये मिक्स होने के बाद में हम लोग इसको 10 मिनट के लिए रखेंगे, तब तक हम लोग फिर आटा भी गूंथेंगे इसके लिए। दोस्तों, इसको हम मैरिनेशन करने के लिए छोड़ देंगे 10 मिनट्स, ठीक है। दोस्तों, अब हम लोग मोमोज के लिए डो रेडी करेंगे। डो रेडी करने के लिए हमने आधा किलो मैदा लिया है। अब हम इसको अच्छी तरह से धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पानी डाल के डो को रेडी करेंगे। धीरे धीरे करना चाहिए, एक ही बार में पानी डालने से फिर ये खराब हो जाएगा, क्योंकि गीला हो जाने से फिर दोबारा पानी भूलना पड़ता है। तो इसी तरह हम लोग डो रेडी करेंगे। दोस्तों, हम लोग थोड़ा ऑयल ऐड करेंगे, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं। ऑयल डालने से थोड़ा सा हम लोग को ईजी हो जाता है ये, और ये नहीं चिपकता है, ठीक है ना। तो इसी तरह से हम लोग डो को रेडी करना पड़ता है। दोस्तों, मोमोज का डो रेडी हो गया। हम लोग इसको 10 मिनट्स ढक के रखेंगे। दोस्तों, 10 मिनट्स हो गया, अब हम इसको डो बनाएंगे छोटे छोटे। तो इस तरीके से मोमोज के लिए रेडी करके रखेंगे। हम लोग को छोटे छोटे रोटी बनाना होगा। चलिए रोटी बनाएंगे। ये आटा थोड़ा सा हार्ड होता है, नॉर्मली हम लोग रोटी बनाते हैं उस तरीके का नहीं होता है। ये मोमोज के लिए थोड़ा हार्ड बनाना पड़ता है, इसलिए बेलने में थोड़ा मुश्किल होता है, और ये रोटी से थोड़ा पतला होना चाहिए। इस रोटी को अच्छी तरह राउंड शेप करने के लिए मैंने एक
बोतल का कैप ले आया हूँ, अब मैं इसी से कट करने वाला हूँ अभी। सो इस तरह से हम लोग कट करके अलग करेंगे। आपको गिलास भी ले सकते हैं। तो अभी चार पीस आ गया दोस्तों, हम लोग मोमोज बनाने के लिए शुरू करेंगे। मोमोज बनाने के लिए थोड़ा सा ये हाफ स्पून रोटी के अंदर हम लोग ऐसी तरह से फोल्ड करेंगे। मोमोज के फोल्ड करने के लिए कई सारे ये तरीके हैं, पर हम लोग इजी मेथड यूज करेंगे। ऐसे पकड़ के धीरे धीरे एक एक करके इसी तरह से हम मोमोज को फोल्ड करेंगे। तो बहुत आसान तरीके हैं। और ये रहा आपका मोमोज। ओके, इसी तरह से हम लोग सारे मोमोज एक एक करके फोल्ड करेंगे। ये देखिए, बहुत सारे तरीके होते हैं मोमोज फोल्ड करने के लिए। इसमें से मैं दो तीन मेथड आपको यहाँ करके दिखा दूंगा। ये वाला राउंड शेप में हो गया। और दूसरे हम लोग बनाएंगे जैसे पत्ते जैसे होता है इसी तरीके के। तो लंबा सा बनाने के लिए यहाँ पे पकड़ के एक सारा इसके साथ और इसके साथ ऐसे करके, देखिए कितना आसान है धीरे धीरे। तो इसी तरीके से हम लोग दिखा कर सकते हैं। फिर मैं और एक रेडी करके दिखाता हूँ। देखिए 1 2 इसी तरीके से फोल्ड करना है। दोस्तों हमारा मोमोज रेडी हो गया फोल्डिंग करके। सारा मोमो फोल्डिंग करके खत्म हो गया। देखिए अब हम इसको स्टीम करने के लिए मोमोज के बर्तन में रखेंगे। ठीक है दोस्तों, हम मोमो स्टीम करने के लिए जा रहे हैं। मोमोज के बर्तन रखे हैं हमने यहाँ पे पानी गर्म करने के लिए। ये पानी स्टीम हो जाएगा तो हम लोग मोमो डालने के लिए शुरू करते हैं। हम लोग मोमोज को डाल के रखेंगे एक एक करके इस तरह से। जब तक पानी उगलता है तब तक गैस का फ्लेम हाई में रखना है। जैसे पानी एक बार उगलने के बाद फिर गैस का फ्लेम स्लो कर देना है। दोस्तों हम लोग मोमोज के लिए चटनी रेडी करेंगे। पहले हम पानी गर्म करेंगे इसमें थोड़ा सा, अभी 2 मिनट लगेगा इसके लिए, ज़्यादा देर पकाने की ज़रूरत नहीं है। 2 to 3 मिनट मैक्सिमम टाइम लगेगा। दोस्तों उस तरफ मोमोज पक रहे हैं, तब तक हम लोग ये मोमोज का चटनी रेडी करेंगे। इसके लिए हमने चेरी टमाटर लिए हैं और ये लगभग हो चुका है। इसको एक एक करके निकालेंगे। दोस्तों मोमोज के लिए चटनी का रेसिपी लेके आए हैं हम लोग। सबसे पहले तो हमने चेरी टमाटर लिए हैं, उसके बाद में नमक लिए हैं और 2 दार्जिलिंग वाले मिर्ची, ये गार्लिक, ये है सेजवान सीड्स और इसके बाद में हमने लिए हैं कोरिएंडर लीफ। इसको हम सारे को एक साथ मिक्सी में डालेंगे। ठीक है, ये रहा चिल्ली, गार्लिक, सेजवान सीड्स और ये कोरिएंडर लीफ। अब हम इसको ब्लेंड करेंगे। इसके लिए थोड़ा सा पानी डालना होगा, ज्यादा नहीं थोड़ा सा, और ब्लेंड करेंगे हम लोग। तो इसमें हम थोड़ा सा रेड चिल्ली पाउडर डालेंगे, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, बस।
दोस्तों हमारा ये चटनी बनके रेडी हो गया। ये हमारा ये स्पेशल मोमो चटनी है, और इसके साथ में हम लोग दूसरा एक चटनी ऐड करने वाले हैं। इसके साथ में हमने रेड चिल्ली चटनी लिया है, उसके बाद में हमने ये व्हाइट चटनी लिया है। हम ये तीनों के साथ में अच्छी तरह से मोमोज खाएंगे आज, और आपको भी दिखाएंगे। दोस्तों हमारा मोमोज रेडी हो गया, अब हम इसको ओपन करेंगे ढक्कन को, और हम इसमें मोमोज सर्व करेंगे। अभी मोमोज को निकालेंगे, गरम गरम है मोमोज। दोस्तों हमारा मोमोज बनके तैयार हो गया, और ये गरम गरम बहुत जूसी मोमोज खाने के लिए बहुत मजा आएगा। देखिए दोस्त कितना अच्छा दिख रहे हैं, इसमें से खाऊं, ये मस्त है। दोस्त आप लोग को अच्छा लगे तो ये रेसिपी प्लीज कृपा करके मुझे फॉलो कीजिए, लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिए, और मैं रोजाना एक नई वीडियो लेके आऊंगा। थैंक यू सो मच वीडियो लास्ट तक देखने के लिए।